कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापकों में एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दीनशाह वाचा शामिल थे। 19 सदी के आखिर में शुरुआत से लेकर मध्य 20वीं सदी में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने 1,05,00,000 से अधिक सदस्यों ने और 7 से अधिक प्रतियोगिताओं के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक केंद्रीय भागीदार बनी। शहर स्थित गांधी चौक में कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनकी प्रमुख उपस्थिति में कांग्रेस पक्ष का स्थापना दिवस संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनकी प्रमुखता से उपस्थिति रही। साथ ही युवा नेता राहुल पुगलिया, जिला अध्यक्ष गजानन गावंडे, देवेंद्र बेले, तारा सिंह कलसी, सकीना अंसारी, प्रवीण पड़वेकर आदि कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी इस समय उपस्थित थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनके पूर्णाकृति पुतले को पुष्पमाला अर्पण कर अभिवादन किया गया। पश्चात तिरंगा लहराकर सलामी दी गई और राष्ट्रगीत गाया गया। इस समय श्री पुगलिया ने कांग्रेस स्थापना दिवस संदर्भ में जानकारी देते कांग्रेस की कार्य प्रणाली और योगदान पर प्रकाश डाला। साथ ही कांग्रेस पक्ष स्थापना दिवस उपलक्ष्य में अस्पताल में मरीजों में फल वितरण किए गए। इस तरीके से राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष का 133वां स्थापना दिवस मनाया गया। झंडा वंदन साथ उपस्थित कांग्रेस के सगड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मित्रों, आज 132 वर्ष पूर्ण करून 133व्या वर्षामध्ये काँग्रेसने पदार्पण केलेलं आहे। 1885 काँग्रेसची स्थापना झाली आणि त्यानंतर या देशाच्या स्वातंत्र्याकरता, देशाच्या विकासाकरता पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्राच्या माध्यमातून अनेक योजना या देशामध्ये, अनेक राज्यामध्ये राबविण्यात आलेल्या आहेत। लोकशाहीला बळकटी देण्यात आलेली आहे। दलित शोषित पीडित समाजाला त्यांना वर आणण्यासाठी, मग ते शिक्षण क्षेत्र असेल, सांस्कृतिक क्षेत्र असेल, औद्योगिक क्षेत्र असेल, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये प्रगती करण्याकरता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पंडित जवाहरलाल नेहरूजीच्या नेतृत्वात प्रगती केलेली आहे। मित्रांनो, स्वातंत्र्यापूर्वी काँग्रेसचे नेते अनेक वर्ष त्यांनी तुरुंगवास भोगला, आंदोलने केली, अहिंसात्मक आंदोलन केलं आणि त्यानंतर हे स्वातंत्र्य प्राप्त झाली आहे। परंतु आज देशामध्ये जातीवादी प्रतिक्रियावादी शक्ती डोकेवर काढत आहे। या सगळ्यांना आश्रय देण्यासाठी आणि या देशाची लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आपल्याला सगळ्याला मिळून संघटितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे। माझी खात्री आहे की काँग्रेसचे सगळे कार्यकर्ते, सत्ता येत राहते जात राहते, सत्तेची पर्वा न करता शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, कामगारांच्या हितासाठी, जनतेच्या हितासाठी आपण सतत राबत राहावे, हीच आपल्याकडनं अपेक्षा। धन्यवाद। जय हिंद।